अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां हम लगातार ड्रेनेज का पानी और कचरे की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर जीएचएमसी और मुकामी जिम्मेदारों की लापरवाही देखने को मिल रही है और हम ये अंदेशा भी लगा रहे थे कि आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है। गंदा ड्रेनेज का पानी कचरे की वजह से मच्छर पैदा हो रहा है और डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। एक वाकया तारना का लालापेट यादव बस्ती में देखने को मिला, जहां पर 5 साल मासूम लड़की रुत्विका की मौत वाके हो गई और ये मौत की वजह डेंगू बताया जा रहा है। नाजरीन, जहां तक हो सके अपने मकानात में साफ सफाई रखिए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जीएचएमसी कमला कोई काम नहीं कर रहा है और मुकामी जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है कि जीएचएमसी के अहदेदार वाटर वर्क्स के अहदेदारों को बुलाकर अपने अपने एरियों में काम करवाए, साफ सफाई करवाए, क्योंकि ये बीमारी खतरनाक तरीके से फैल रही है। अगर कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार वो मुकामी लीडर रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी थी, फिर वो एमएलए और वो हुकूमत जिनका काम था कि अवाम का ख्याल रखे। बहरहाल, जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देने की जरूरत है ताकि फिर कोई और किसी मासूम की जान ना जाए। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।